यूज कर लेते ठीक है ठीक है। अगर वीडियो करेंगे नहीं मिलता है उल्टा पुलटी करके। तो देख लीजिए दोस्तों गिफ्ट खुल गया भैया का। अरे ये कौन है भैया? भाभी ही क्या? इतना तो दोस्तों बहुत ही बड़ा गिफ्ट है धन्यवाद। और इनका मतलब हितेश लाल अक्सर इनसे बात भी होता था, बस इनको देखे नहीं थे, फेस टू फेस नहीं देखे थे। आज देख कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अपना भाई साहब शायरी सुनाएंगे। तो कहा गया है दोस्तों कि सपना उन्हीं को पूरा होती है जिनको सपनों में जान होता है और पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होता है। एक और शायरी कह रहे हैं आप लोग बीच में। वक्त नूर को बेनूर कर देती है, छोटी सी जख्म घाव को नासूर कर देती है। कौन चाहता है ए मेरे दोस्त अपनों से दूर हो, मगर हालात ऐसे मजबूत है। लोग दिए हैं वो सारी बधाइयां हम अभी दे रहे हैं। काफी राइट आया था, फेसबुक बहुत बवाल हुआ था। और आपके भी शायद वही चीज है। एक लाइन पूरा हो गया? हां पता नहीं ऐसा हम हमारे चैनल पे फेसबुक हुआ, सुगमुग हुआ और बड़ा वाला चैनल, तीनों हम लोग बंद कर दिए थे। दो महीने से हम लोग बहुत परेशान थे, अभी हमारा चैनल खुला है तो हम लोग है। और आप दर्शकों का प्यार है पर उसमें कोई देखकर जल रहा है, दर्शक क्या कर पाएंगे? देखिए फूल तो कांटों में खिलता है और जितने जलने वाले हैं उसी में तो वो लोग भी मिलेंगे। और इसमें पता नहीं दर्शकों को भी क्या हो चुका है, तो भी कहेंगे कि सब खराब हो चुके हैं। अभी जान लेते हैं तो हमारा चैनल जी भैया आपका भी स्वागत है। दोस्तों नमस्कार प्रणाम भैया, चैनल हमारा स्वागत है। देखिए ये होता रहता है, घबरा के पति नाम से तो यही जानी जाती है, तो पीछे है। सही बात है, इनकी ये पत्नी है और इनके ये पति है, तो होता है। क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं कि शायद आप लोग जल्दी से पहचान जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सोशल प्लेटफॉर्म पे यही ज्यादा दिखती है ना। बस दिखने का कारण भी यही है ना, अगर ये नहीं चाहते तो हम दिख पाते, इन्हीं की वजह से ना दिख रहे हैं, जो भी है इन्हीं की वजह से। नमो क्या दिया था आप तो नाम ही नहीं लेंगी? हाँ तो ले लेते हैं, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि इज्जत से बढ़ के नाम थोड़ी ना रहा है। कि ऐसे ही अगर जारी रहेगा तो आने वाले दिनों में लोग इनको नहीं, आदमी के नाम से नहीं, ये महिलाओं के नाम से लोग जानना लगे। क्योंकि अभी मैं जब इनके घर पे आया तो मैं बाहर क्या तो लग रहा था कि घर तक पहुँचा देंगे।